उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है, भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है।